अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लजीज पकवान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं माइक्रोवेव में आलू की सब्ज़ी। ये बेहद ही आसान और इंस्टेंट रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, आलू की सब्ज़ी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो है नमक, लाल मिर्च पाउडर, ऑयल एंड आलू। नाज़रीन, ये आलू आप देख सकते हैं, ये एक लार्ज साइज आलू है। इसको हम पहले इस तरीके से काटेंगे। नाज़रीन, हमने एक ये स्लाइसर लिया है, इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको नाज़रीन जो हमें स्लाइस करना है वो बहुत बारीक बारीक स्लाइस करना है, और वो इसलिए स्लाइस करना है बारीक बारीक ताकि माइक्रोवेव में ईजिली जल्दी से वो हमारा जो आलू है कुक हो जाए। ये देखिए, हमारा सारा का सारा आलू जो है स्लाइस हो गया है। इस कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, इतना पतला होना चाहिए आलू, तभी जो है इजीली ये कुक हो पाएगा माइक्रोवेव में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून, और ऑयल डालेंगे नाज़रीन हम। हमने 6 चम्मच ऑयल लिया है नाज़रीन। ऑयल इतना होना चाहिए कि ये सारे आलू और मसाला जो है अच्छी तरह कोट हो जाए। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ऑलमोस्ट अच्छी तरह मिक्स हो गया है। चलिए नाज़रीन, माइक्रोवेव की तरफ चलते हैं। ये हमने जो अपने आलू मिक्स करके रखे थे इसको हम माइक्रोवेव में रख देंगे। बंद कर देंगे। नाज़रीन, इसको हमें टोटल 12 मिनट पकाना है। पहले मैंने जो है इसे 8 मिनट पकाया है, उसके बाद फिर मैं 4 मिनट और पकाऊंगा। मैंने 8 मिनट सेलेक्ट कर दिया है नाज़रीन, और अब हम इसको स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल डिश है। इसमें कुछ भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है, नमक और लाल मिर्च पाउडर इजीली घर में अवेलेबल होता है, ऑयल भी। तो ये झटपट रेसिपी है, और उसमें कोई ऐसा मसाला, गरम मसाला है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ नहीं है। तो आप कभी भी, आपके पास कुछ सामान ना हो, गैस ख़त्म हो गया हो, कुछ भी हो, तो आप ये इंस्टेंटली माइक्रोवेव में ये आलू बना सकते हैं। नाज़रीन, हमारे 8 मिनट कंप्लीट हो गए थे, इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। थोड़ा ध्यान से इसे निकालें क्योंकि इस टाइम हमारा माइक्रोवेव का बर्तन काफ़ी गर्म होगा, सो बी केयरफुल। ये ऑलमोस्ट हो चुका है नाज़रीन, बट थोड़ी सी कसर और बाकी है। इसको हम एक स्पून की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे।
ये देखिए ये वॉल्यूम में भी कितना ज़्यादा रिड्यूस हो गया है नाज़रीन, क्योंकि हमने इन्हें बारीक बारीक काटा था, तो ये पक तो बिल्कुल अच्छी तरीके से रहे, बस इसे थोड़ी सी कसर और बाकी है। तो चलिए हम इसे माइक्रोवेव में रख देते हैं और 4 मिनट के लिए और इसे लगा लेते हैं। चार मिनट के लिए हम इसको और थोड़ा कुक करेंगे। जो थोड़ी सी टेंडेंसी है इसकी, उससे 4 मिनट में बिल्कुल अच्छी तरह हमारा माइक्रोवेव का आलू रेडी हो जाएगा। नाज़रीन ये हमारा आलू रेडी हो चुका है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। पहले बड़ी केयरफुली इसको निकालें, क्योंकि ये गर्म हुआ हुआ होगा काफ़ी, हमने देर ऐसे माइक्रोवेव में रखा टोटली 12 मिनट्स के लिए। तो इसको अच्छे तरीके से देखें नाज़रीन, ये कितना ज़बरदस्त। और ये इसकी सबसे खासियत बात ये है कि इसमें बहुत कम हमने ऑयल भी इस्तेमाल किया है। तो नाज़रीन अगर आपको हमारा ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक माई वीडियो।